संजीव बालियान की हार की खबर आ रही है, बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हार की खबर है। हार का अंतर कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर पहले तक तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनकी हार की खबर आ रही है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनकी भी हार हुई है। संगीत सोम से जो बगझक हुई थी और जो यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिली थी, और अब देख लीजिए नतीजे जो सामने आए हैं, तो संजीव बालियान की हार की खबर है। बहुत कोशिश हुई थी कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स वहाँ पर जाकर बीजेपी के तमाम नेताओं को एकमत एकजुट कर लें, लेकिन लगता है कि खामियाजा उस लड़ाई का भुगतना पड़ा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को। और पिछली बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था इनका, तकरीबन 5000 वोटों से संजीव बालियान जीते थे। और अभी तक जो अपडेट हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तकरीबन 11000 वोटों से वो हारे हैं। मतलब इस बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी फाइनल फिगर अभी हम थोड़ी देर में रखेंगे। जी आलोक जी, आपका रिएक्शन। जहाँ तक कि आपका सवाल था गोत्रा परिषद में प्रत्याशियों के चयन में क्या कोई गलती हुई है क्या, मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को ठीक से लड़ाया था, सभी मुद्दों को हमने जनता के बीच में रखा। नैरेटिव कुछ दलों ने सेट करने का प्रयास किया है, लेकिन वो हमसे हमको हिला नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो चलेंगी, हमने जो अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर विश्व में लाने का वादा किया वो हम करेंगे, साथ ही साथ जो हमने गरीबों को मकान देने के लिए कहा वो भी करेंगे। जी आलोक जी, निस्संदेह कि यहाँ पर फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट बनती दिख रही है, लेकिन जिस मोदी गवर्नमेंट की बात हमेशा होती रहती है, क्या आपको ये वही मोदी गवर्नमेंट दिखेगी जो बड़े फैसले की बात होती है? प्रधानमंत्री ने कल भी एक्सपर्ट ट्वीट किया था कि बड़े फैसले लेने होते हैं, बड़ा काम करने के लिए कठोर फैसले लेने होते हैं, क्या ये वो मैंडेट है? देखिए निश्चित रूप से जो मुखिया होता है सरकार का, उसकी विल पावर पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। पहले हम डिस्टिंक्शन से पास होते थे, इस बार हम जो है डिस्टिंक्शन से थोड़ा सा कम रह गए हैं, लेकिन हम पास हुए हैं और सबसे नंबर वन क्लास में आए हैं। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है, महेश शर्मा की यहाँ पर जीत हो गई है और बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे थे, तकरीबन 5 लाख वोटों से यहाँ पर वो आगे चल रहे थे। देखना होगा कि हार जीत का अंतर क्या रहा, लेकिन महेश शर्मा जो कि 2014 में भी गौतम बुद्ध नगर से जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है और बहुत बड़े मार्जिन से संभवतः उन्होंने चुनाव जीता है। जैसे वो नंबर्स आते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं ये कह रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा आलोक जी, एक अकेला सब पे भारी वो अहंकार वाली भाषा भूल के अब एनडीए सबको साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता विनम्रता चाहती है, अहंकार नहीं, असत्य नहीं चाहती, सत्य चाहती है, और झूठे जुमले और वादे नहीं चाहती, सच्चा इरादा चाहती है। वो उन्होंने माननीय अखिलेश जी के रूप में देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत साफ क्लियर मैंडेट दिया है, और आगे आगे जैसे जैसे ये नतीजों में बदलेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी की तरफ आप झुकाव देखेंगे। तो इस तरह से जो वादे और उन वादों में बड़े बड़े वादे नहीं किए आलोक जी, कह रहे थे बड़े बड़े काम करने, आप भी कह रहे थे बड़े बड़े झूठ बोलने हैं, एक भी 40 मेरे पास 42 ऐसे बड़े वादे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 14 और 19 के चुनाव में बुनाया, करा कुछ नहीं, पेपर लीक करें यहाँ पे, यहाँ भर्ती घोटाले करें यहाँ पे, बच्चों को वो इको गार्डन में बैठा के 2-2 साल परेशान करा, उनको हक नहीं दिया, शोषित वंचितों का हक मारा, ये सब जो काम किए ये बड़े बड़े झूठ हैं इनके, ये वादे नहीं हैं। और अब बेनकाब ये हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये हो सकता है कुछ महीनों में आपको उत्तर प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की देखने को ना मिले। ठीक है, मैं इनके एक बात के साथ, मैं वोट शेयर की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा का वोट कम है, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और सपा का वोट में इतना जंप हुआ है जिसको हम कहते हैं ना 19% बढ़ गया है, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट 8% घटा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा कॉम्बिनेशन का वोट घटा है। ठीक है वीरेंद्र जी, यूपी की तो हम बात कर ही रहे, एक बार फिर ओवरऑल भारत पर आप जरा नजर डालिए और बताइए कि पूरे भारत में 295 पे एनडीए इस वक्त अगर आगे चलती हुई दिख रही है, एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है, तो कहां कहां किस पॉकेट में नुकसान और कहां संभलता हुआ दिख रहा है? बढ़त तो नहीं दिख रही बहुत ज्यादा कहीं पर भी, संभाला किस पॉकेट ने? जी मैं माफी करी, माफ कीजिएगा वीरेंद्र। हाँ देखिए, सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं,
यूपी, कहां 64 और कहां 33, ऑलमोस्ट हाफ। राजस्थान 24 सीट, 14 पर आ गए। कर्नाटक 25 सीट, 16 पे आ गए। महाराष्ट्र 23 सीट अकेले, इतना जोड़ा, घट के आगे कहां 18 पे जोड़ के। एनसीपी अजीत पवार एक सीट मिला उनको, उसके बाद 6 सीट पर हैं एकनाथ शिंदे, जबकि पिछली बार सिर्फ शिवसेना और बीजेपी का अकेले दोनों मिलके 41 सीट था। 23 सीट मिला था महाराष्ट्र में जी बीजेपी को, आपको रोक रहा हूं। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही, रुचि वीरा की यहां पर जीत हो गई है। कई बार यहां पर प्रत्याशी बदले गए और आखिर में गठबंधन प्रत्याशी बनी रुचि वीरा, उनकी जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी का देहांत यहां पर हो गया था वोटिंग के बाद, जिसके बाद एग्जिट पोल में मुरादाबाद सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जा रही थी और लग रहा था कि यहां पर बाई इलेक्शन होगा, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया है तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा की मुरादाबाद सीट पर जीत हो गई है। वीरेन जी अपनी बात पूरी करिए। और जहां तक बीजेपी को बचाया है वो कौन सा राज्य है? हाँ। मध्य प्रदेश 29 का 29, छत्तीसगढ़ 11 में से 10, उड़ीसा जी, बिहार, ये वो राज्य है। और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा दक्षिण भारत का, बिहार में नीतीश जी का साथ आना फायदा कर गया। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कि नीतीश को लाके क्या होगा, लेकिन एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होता है और वो हुआ। और यदि दक्षिण भारत का देखें आप तो केरल में बीजेपी का खाता खुल रहा है, सुरेश जीत रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना में जहां पर 4 सीटें थी 8 हो रहा है। हां, कर्नाटक में नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में इनको मिला के लगभग सोचिए 21 सीट मिल रहा, तो कुल मिला के आज भी उन्होंने कहा कि 300 पार जाएंगे तो निश्चित रूप से ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जब कांग्रेस को हार का ठीकड़ा कहीं फोड़ना होता है तो ईवीएम उन्हें याद आती है। सब तरफ से यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम से अच्छा निर्वाचन पद्धति के लिए कोई और मशीन नहीं है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर। और आसानी से हमारे यहाँ कुल मिला के चुनाव होते हैं और चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, इससे अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण और कहाँ दुनिया में देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम लक्ष्य तय किए थे लेकिन लक्ष्य तक कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी सरकार बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी दिल्ली के अंदर। नहीं, स्वाभाविक रूप से कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी।